नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे रिलेशन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी की। 2394 रुपये का शेयर है, कौन से लेवल रहेंगे जहाँ पे हम बाइंग करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे भी बाइंग किया हुआ है उनके लिए भी यहाँ पे एक एवरेज लेवल बताएंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसे ही प्रॉफिटेबल नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक डिटेल से, क्या यहाँ पे रहने वाला है, क्या हमारे लिए प्रॉफिट से इस शेयर के अंदर, क्या यहाँ पे एलटी के अंदर जो है फंडामेंटल है वो हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पे बता दो दोस्तों, 1456 इसका साल का सबसे नीचे का लेवल है और 2419 मैं कहूँगा कि ये लगभग आजकल का ही मैं मानूँगा कि 2419 भी ये हाई गया है। तो क्या लेवल हमारे रहने वाले हैं आज, अगर जिन्होंने पहले ही बाइंग किया है वो प्रॉफिट में है। सर का जो रिटर्न इसने दिया है वो 62% लगा है, ऐसा रिटर्न पाके तो धन्य है दोस्तों। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की तो पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में नेचुरलिटी है इस शेयर के अंदर। और यहाँ पे अगर फंडामेंटली बात करें तो इस शेयर का क्वालिटी करके एवरेज है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, फाइनेंशियल ट्रेड भी पॉजिटिव देखने को मिलती है। सेक्टर के अंदर कैपिटल गुड्स के अंदर काम करती है कंपनी, मार्केट कैप का 3,37,794 करोड़ का है, वन ईयर का रिटर्न 62% जो कि मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। पी की रेशियो देखें 32 पॉइंट्स के साथ है, डिविडेंड भी कंपनी देती है तो साल भर के लिए भी आप रखें, एक अच्छा डिविडेंड आपको कंपनी देगी, जहाँ पे आपका अगर लॉस भी होता है तो वो रिकवर में काम आता है। FIs की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अब यहाँ पे 23% से 24% बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है 0 पॉइंट्स के अंदर। और अगर बात करें इंश्योरेंस कंपनीज की तो 1.16% घटाया है, DIS ने थोड़ा सा बढ़ाया फंड्स में। पब्लिक तो यहाँ पे हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे नाम मात्र काम करता है, वो अपने किया है। चार्ट पैटर्न पे आते हैं तो क्या लेवल रहने वाले इस शेयर के अंदर। तो दोस्तों बता दूँ कि ये शेयर अपने हाई पे है और कैसे चला गया इसे एकदम से, मई के अंदर ही शेयर का प्राइस अभी गया है और जैसे जून चला आज हो गए है हमारी 23-24 जून, और 23-24 जून की बात मई की बात करें एक साल में शेयर का प्राइस 2200 से 2400 पहुंच गया है। तो यहाँ पर शेयर एक महीने के अंदर पर शेयर 200 रुपये का प्रॉफिट बहुत बड़ी बात होती है। और आज अगर हम इसको बाय करना चाहें तो बिल्कुल ना के बराबर, हम इस पर कोई उम्मीद नहीं लगा सकते, ऐसा बाय नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है। मैं कहूँगा कि आप कोई से भी मार्केट को ले लें, जैसे कि हम बात करें अपने इंडिया के NSE में, बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की बात करें, फिर निफ्टी की बात करें, तो वो सब में ट्रेंडिंग आ रहा है। वो लोग वो जो है वो हाई पे है, तो आज हर एक शेयर हाई पे है। इस प्रकार से मैं कहूँगा कि ऑलरेडी कंपनी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी बुरी है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें भी ऊपर चल रहा है, कंपनी अच्छी है इसीलिए वो बहुत जल्दी से भाग भी रही है। लेकिन अगर हम एक अच्छे लेवल को देख लें कि जहाँ पे हमें वापस से भी कंपनी का मार्केट गिरे तो हम उसको उस लेवल पे पकड़ें तो वापस से उस लेवल पे हमें मिले, तो बेस्ट लेवल तो 2240 के आसपास का है। लेकिन हमें जो बाइंग करना है, फर्स्ट बाइंग यहाँ पे 2349 चल रहा है दोस्तों, और ये जो लेवल है 11 अप्रैल को जो 2315 देखने को मिला था, फर्स्ट लेवल हमारा 2315 या 2300 के आसपास बाइंग रहेगा। मतलब फर्स्ट लेवल मतलब फर्स्ट बार बाइंग कितना, फर्स्ट बार जितना बाइंग करने वाले उसका आधा बाइंग कीजिए और नेक्स्ट बाइंग कीजिएगा ये लेवल 2240 के आसपास, क्योंकि जितना वो एक महीने में बढ़ सकता है तो एक महीने में इतना गिरने में भी टाइम नहीं लगता है। तो आपको सिर्फ लेवल समझने हैं, आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, आपको देखते रहना है शेयर को, आपके टाइमिंग में आए पकड़ लो, और जब भी जाए मन करे आपको अगर प्रॉफिट देखने को मिलता है, मन में ऐसा है कि हमने जो निश्चित प्रॉफिट किया था पर शेयर मुझे 40 रुपये लेने, अब शेयर से 60 रुपये लेने, 100 रुपये लेने, एक्चुअली उसी को निश्चित कीजिए, चलिए। पेशेंस अगर आप में जितना है उतना आप कीजिए, लालच कभी मत कीजिए, मार्केट में आपको एक प्रॉफिट मिलने वाला है। धन्यवाद।